हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल ग्रुप में। तो आज की इस वीडियो में, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसके साथ आप जरूर जुड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स पे वीडियोज़ नहीं बनाई जाती, डायरेक्ट वहीं पर नोटिस अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। और इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या DSSB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी, लाइब्रेरी, म्यूजिक, लगभग सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप आज ही दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो देश के अंदर कहीं भी जब वैकेंसीज़ की बात आती है, और ख़ासतौर पर जो हमारे युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जब खबर आती है तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसी ही एक खबर है जो आपको जरूर प्रसन्न कर देगी, खुश कर देगी, हैप्पी कर देगी। तो इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो जो आपको मिल सकें। तो करीब 3 लाख नियुक्तियों के आसार, रिक्त पदों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हो सकती हैं, और यहाँ पर माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों की जो रिक्तियाँ हैं 44,193 हैं, उच्च माध्यमिक स्कूलों में 89,734, प्राथमिक स्कूलों में 60,000, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक 6,000, कंप्यूटर और लाइब्रेरी जो लाइब्रेरियन है और अन्य हैं तो 10,000, प्रयोगशाला सहायक जो हैं 27,000, और इसके अलावा कुछ विशेष वर्ग में नियुक्तियां की जा रही प्रस्तावित 9,360 स्कूलों में इतनी ही संख्या में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। इसमें अभी STET होना है। प्रदेश में पहली बार प्लस टू स्कूलों में कृषि विषय के शिक्षक नियुक्त तो किए जाएंगे, और इनके पद सृजित किए जा रहे हैं। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये है पटना से। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बहुत बड़ी संख्या में आपको वहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और आप लोग क्या कहते हैं, हम किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से इसके रिगार्डिंग बात की जाए, या आप लोग कुछ और आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है, और जल्दी ही ऐसी वैकेंसीज आएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।